सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ लेग्स वर्कआउट। तो स्टार्ट हमने पहले वार्म अप रनिंग की, थोड़ी बहुत साइकिलिंग की 5 मिनट्स, एंड देन हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेचिंग हमेशा करनी है, एक्सरसाइज से पहले भी और बाद में भी। तो लेग्स को, ये क्वाड्स का स्ट्रेच है, क्वाड्स के लिए हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये हैमस्ट्रिंग के लिए है कि आपको जब लेग्स ही कर रहे हैं तो अच्छे से आपके हैमस्ट्रिंग को, काफ्स को और क्वाड्स को, तीनों को स्ट्रेच करना है, एंड अपने ग्लूट्स को भी। सो ये वाली आप स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने की कोशिश करिएगा जितनी आपसे हो पाए। इनको स्टार्टिंग में जो आपको एक्सरसाइज से पहले जो स्ट्रेचिंग करनी है उसमें बहुत ज़्यादा पोज को होल्ड नहीं करना है, आपके थोड़ा सा चलता हुई स्ट्रेचिंग होगी, लाइक मूवमेंट वाली स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी। और जो वर्कआउट के बाद में होगी वो आपकी लाइक 10 सेकंड्स होल्ड करना है आपको स्ट्रेच करके, उस टाइप की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो ये आप जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये इस टाइम के हिसाब से आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। बाद में आपको होल्ड करके करनी है, स्टार्टिंग में आपको खाली मूवमेंट करना है मसल को वार्म अप करने के लिए। तो पहले हम शुरू करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट से। तो इसमें आप देखिएगा कि मेरे शोल्डर विथ पे जो हैं स्टेप्स, मेरे फुट जो हैं शोल्डर विथ पे रहेंगे, और फिर बॉडी को नीचे ले जाना है जितना आप नीचे जा सकते हैं, नीज़ थोड़े से आगे आएंगे। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपके नीज़ थोड़ा आगे जा रहे हैं फीट से। तो अब आ गए हैं फर्स्ट सेट वेटेड स्क्वाट पे। तो वेटेड स्क्वाट पे मैं थोड़ा हैवी, मेरा तीसरा चौथा सेट था, तो मैं, मेरे को मत देखिएगा, ये नहीं इतने सारे वेट्स आप स्टार्टिंग करें। तो यहाँ पे मैं पोजीशन दिखा रहा हूँ, सेम पोजीशन रहेगी, शोल्डर विथ अपार्ट रहेंगे आपके फीट, और आप फिर डीप जाएंगे, लगभग आपके जो क्वाड्स हैं वो लगभग पैरेलल हो जाएंगे फ्लोर के, इतना आपको नीचे जाना है, उसके बाद फिर आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आप मिड मूवमेंट ना करें, मतलब पूरा नीचे जाएँ और पूरा ऊपर आए, ऊपर आके अपनी नीज़ को लॉक ना करें, बस इतना मूवमेंट करना है आपको, उसके बाद फिर वापस नीचे जाना है। लॉक आप तब करें जब आपको बीच में रेस्ट लेना है, तो रिलैक्स करने के लिए। और जब भी आप हैवी स्क्वाट कर रहे हैं और आप यूज्ड टू नहीं है वेट के, तो हमेशा एक स्पॉटर को पीछे अपने खड़ा करिए जो कि इस तरह से आपको सपोर्ट देगा चेस्ट होल्ड करके। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा सा हैवी गया था तो इसमें मैंने नी रैप्स यूज़ करे हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर गियर होते हैं लिफ्टिंग के, लाइक बेल्ट है, नी रैप्स हैं, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है, और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ और किसी ट्रस्टवर्दी बंदे के साथ हमेशा स्क्वाट करिए सपोर्ट जब भी लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लंजेस। तो आपके जो विथ रहेगी वो लगभग डबल रहेगी शोल्डर विथ से, एक आगे रहेगा पैर, एक पीछे रहेगा, और इस तरह से आपको नीचे जाना है। आपका पीछे वाला पैर ऑलमोस्ट नीचे टच होगा फ्लोर पर नी, और फिर टच करके आप वापस ऊपर आएंगे। पीछे वाले लेग्स का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आगे वाले लेग के ज़ोर से उठना है। थर्ड एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं लेग एक्सटेंशन। ये आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, आपके क्वाड्स के पंप, प्री पंप कर देता है, अच्छा पंप आता है आपके क्वाड्स के, कट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। और इस तरह से आपको ऊपर पूरा लेके जाना है और अपने क्वाड्स को पूरा स्क्वीज़ करना है। सो यहाँ पे थोड़ी सी मैं पोजिंग कर रहा हूँ सेट्स के बीच में, जो कि आप सबको करनी चाहिए, क्योंकि पोजिंग से आपके मसल माइंड एक्टिवेशन जो होता है, मसल माइंड कनेक्शन जो होता है, वो आपका एक्टिवेट होता है। तो अब हम कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग पे काम। तो ये है हैमस्ट्रिंग कर्ल, किसी जिम में लाइंग कर्ल होगी, किसी में सिटिंग होगी, आप दोनों जो भी अवेलेबल है मशीन वो यूज़ कर सकते हैं लेग कर्ल के लिए। इसमें आपको बस कोशिश ये करनी है कि आपके ग्लूट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठने चाहिए, इतना ज़्यादा वेट ना लें, और आपको इतना ही नीचे लेके जाना है पैर, पूरा स्ट्रेट नहीं करना, वरना आपके हैमस्ट्रिंग से लोड हट जाएगा। तो इतना नीचे लेके जाइए और फिर वापस हैमस्ट्रिंग को पूरा स्क्वीज़ करिए। अब हम आगे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लेग प्रेस। तो लेग प्रेस में पहले आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा पास नहीं रहेंगे नीज़, और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं रहेंगे। ये आपके अंदर के पोर्शन पे काम ज़्यादा करता है जब आप बहुत वाइड रखते हैं, और जब बहुत क्लोज रखते हैं तो ये आपके आउटर क्वाड्स जो हैं उस पे काम करता है। तो हम मिडिल लेके चलेंगे, क्योंकि हम बिगिनिंग कर रहे हैं तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तो हम मिडिल में रखेंगे फीट, ना बहुत ज़्यादा अंदर ना बहुत ज़्यादा बाहर, और इस तरह से हम, और इस तरह से हम मूवमेंट हमारा रहेगा इस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग में। तो आप देखिए, मैं एल्बोज लॉक नहीं कर रहा हूँ, 90% ही ऊपर लेके जा रहा हूँ,
और यहाँ पे बहुत लोग ये गलती करते हैं, हाथ से पुश करते हैं नीज को, तो वो हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ लेग्स यूज़ करने हैं, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करनी है और वेट आप कम ही रखिए। दूसरा, ये बंदे हाफ रेप्स मारते हैं, तो इस तरह से आपको हाफ रेप्स नहीं मारना है। पूरा पूरा प्रॉपर नीचे लेके जाएंगे आप, ये एंगल फॉर्म होगा और उसके बाद पूरा आगे लेके जाएंगे, लेकिन लेग्स को नीज को लॉक नहीं करें। तो इस तरह का आपका मूवमेंट रहेगा लेग प्रेस में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं काफ्स पे, जो कि मोस्टली हम लोग स्किप कर देते हैं, बट इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके काफ्स की ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो ये स्टैंडिंग काफ रेजेज हैं जो बॉडी वेट से मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आपको वेट उठा के करने की ज़रूरत नहीं है। आप बॉडी वेट से 35-40 रैप्स का एक सेट मारिए और ऐसे चार सेट करिए, आपके लिए एनफ है। ये इंटरनल रोटेट करके मैं कर रहा हूँ हील्स को, ये आपके, और ये आउटर कर रहा हूँ, ये आपके इनर काफ और आउटर काफ पे फोकस कर। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में वेटेड परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप बॉडी वेट से इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने काफ्स को। अब ये है आगे का शिन एरिया जो होता है, ये वहाँ के डेवलपमेंट जिससे आपका काफ आगे से भी ब्रॉड दिखता है। तो ये था वह वर्कआउट लेग्स का, बहुत शॉर्ट रखा है मैंने वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए बिगनर्स को कि किस तरह से लेग्स का एक्सरसाइज करनी है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, नेवर स्किप लेग्स डे।